भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने सबको निराश किया है। हालांकि दूसरी पारी में खिलाड़ियों ने टीम को संभाला। रोहित शर्मा ने जहां शतक जड़ा, वहीं पुजारा ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने भी आखिर में कुछ अच्छी पारियां खेली। लेकिन टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर फ्लॉप रहे, जिसके बाद अगले टेस्ट में उनका बाहर होना लगभग तय है। टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे इस पूरी सीरीज की तरह एक बार फिर चौथे टेस्ट में भी फ्लॉप रहे। पहली पारी में रहाणे सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए, वहीं दूसरी पारी में रहाणे खाता भी नहीं खोल पाए। रहाणे अब तक इस सीरीज में जिस तरह से खेले हैं, उससे यह देखकर हैरानी होती है कि विराट कोहली ने उन्हें लगातार चौथे मैच में एक और मौका दिया। रहाणे इस पूरी ही सीरीज में काफी खराब फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही 50 लगाई है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि चौथे टेस्ट में कोहली रहाणे की जगह पर सूर्य कुमार यादव को मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोहली ने एक बार रहाणे पर ही भरोसा जताया। लेकिन अब कोहली ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे। ऐसे में अगले टेस्ट में टीम इंडिया को नया उप कप्तान भी मिल सकता है। इस सूची में जिस खिलाड़ी का सबसे पहले नाम आता है वह है रोहित शर्मा। जी हाँ, अगर अगले टेस्ट से अजिंक्य रहाणे की छुट्टी हुई तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के नए उपकप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। रोहित सीमित ओवर क्रिकेट में पहले से ही भारत के उपकप्तान हैं और अब टेस्ट फॉर्मेट में भी उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद नाम आता है ऋषभ पंत का। रोहित और राहुल के अलावा ऋषभ पंत भी भारत के उपकप्तान बन सकते हैं। ये बात तो तय है कि पंत अब लंबे समय तक भारतीय टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा पंत की कप्तानी में इसी साल दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद एक और खिलाड़ी भी उपकप्तान बनाए जा सकते हैं। वह खिलाड़ी हैं केएल राहुल। रोहित शर्मा के ही ओपनिंग दावेदार केएल राहुल भी टीम इंडिया के नए वाइस कैप्टन बनने के बड़े दावेदार हैं। केएल राहुल एक समझदार और शांत खिलाड़ी हैं और इसके अलावा वो आईपीएल में लंबे समय से पंजाब किंग्स टीम की कप्तानी भी करते आए हैं। ऐसे में राहुल भी इस पद के बड़े दावेदार हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।